हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनने वाले हैं पेंटनेशन के हीरो। और हीरो बनने में तो काफी मजा आ गया और हीरो की लाइफ सबसे मस्त होती है। अरे ये देखो दोस्तों, हमारा करेक्टर यहाँ पे आ चुका है। अब हमको ये सारी वॉच कलेक्ट करनी है, उसके बाद हम एक अच्छे से सुपर हीरो बन जाएंगे। अरे वाह, ये देखो पीछे किसकी तस्वीर बनी है, मुझे तो लगता है ये कोई अच्छा सुपर हीरो है। तो दोस्तों, तुमको पता चल गया ये कौन सा सुपर हीरो है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा सुपर हीरो है। अरे हाँ बो चैंग, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा सुपर हीरो है। चलो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी घड़ी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जितनी हम जल्दी यहाँ घड़ी कलेक्ट करेंगे उतनी जल्दी हम यहाँ पे सुपर हीरो बन जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमको यहाँ सारी घड़ियाँ कलेक्ट करनी है। हमने आधी तो कर ली है, आधी हो रहती है। हम जितनी सारी घड़ियाँ कलेक्ट करेंगे हम उतनी जल्दी यहाँ पे एक अच्छे सुपर हीरो बन पाएंगे। लेकिन मेरे को भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा सुपर हीरो है, तो हम यहाँ जल्दी जल्दी घड़ी कलेक्ट करते हैं। तुम सबकी बकवास बंद हो गई हो तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। मुझे तो लगता है बोचंग यहाँ पे थक चुका है, तो बोचंग थको मत, जितनी जल्दी तुम यहाँ पे घड़ी कलेक्ट करोगे उतना तुमको फायदा होगा। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मेरी बारी भी आए और मैं कोई अच्छा सुपर हीरो बनता हूँ। हाँ जी यान, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये देखो, मैंने सारी घड़ी कलेक्ट कर ली है, अब मैं यहाँ पे सुपर हीरो बनने लगा हूँ। और ये देखो, मैं यहाँ पे सुपर हीरो बन गया। अरे वाह, ये तो काफी खतरनाक और बड़ा ही विशाल है, मुझे तो इसका नाम समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों अगर तुम्हें इसका नाम पता चल चुका है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो देखो, हमारे वहाँ पे ग्रैंडपा भी खड़े हैं और वो हमको बुला रहे हैं। अरे वाह वो चैंग, तुम तो इस सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में कितने प्यारे लग रहे हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इस तरह से बड़ा सुंदर सा लगूं। और ये देखो, ये तुम कैसे डांस कर रहे हो। अरे वाह बो चैंग, तुमको तो डांस भी काफी अच्छा आता है। मुझको तो काफी मजा आया दोस्तों। तुम दोनों की बकवास काफी होगी, अगला सुपर हीरो मैं बनूंगा और मैं देखता हूँ कि मैं कौन सा सुपर हीरो बनूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक फोटो लगी है जो कि बड़ी शक्तिशाली सुपर हीरो की है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा सुपर हीरो है। तो चलो हम यहाँ पे सारी की सारी वॉच कलेक्ट कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे कौन सा सुपर हीरो बनने वाले हैं। हाँ जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम यहाँ सबसे अच्छे सुपर हीरो बनोगे, क्योंकि मुझे पता है तुम दिल के बड़े ही साफ हो और अपने शक्ति से काफी सारे बंदे की मदद भी करते हो। तो आज जो से तुम सुपर हीरो बनने वाले हो, मुझे तो लगता है वो दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा और शक्तिशाली सुपर हीरो होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना दोस्तों? हाँ सुनियो, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम ही हो मेरे सबसे अच्छे दोस्त। वरना नोबिता तो एकदम पागल है, वो तो हमेशा मेरे को बुरा ही बोलता है। लेकिन तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो कि तुम हमेशा मेरी तारीफ करते हो और इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा मारता भी नहीं। हाँ जी यान, सबको पता है कि सुनियो तुम्हारा एक नंबर का चेला है। और ये देखो, अब तुम यहाँ पे सुपर हीरो बनने वाले हो। देखते हैं कि हम जियान यहाँ पे कौन सा सुपर हीरो बनने वाला है। तो जियान ये देखो, तुम तो यहाँ पे फोर आर्म्स बन गए। अरे वाह, ये तो काफी शक्तिशाली है, ये तो बड़े बड़े चीजों को भी चुटकी में उठा के फेंक देता है। तुम तो काफी लकी हो जियान, जो इतना अच्छा सुपर हीरो तुम्हें मिला है। बकवास बंद करो पागल नोबिता, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता। और ये देखो, मैं भी यहाँ जीत गया। तो दोस्तों मेरे लिए ताली तो बजा दो, क्योंकि मैंने काफी अच्छा काम किया। हाँ जियान, तुमने बिल्कुल सही काम किया, लेकिन अगला सुपर हीरो मैं बनूंगा और देखता हूँ मैं कौन सा सुपर हीरो बनने वाला हूँ। तो दोस्तों तुमको ये फोटो दिख रही है ना, तो मैं इसी टाइप का सुपर हीरो बनने वाला हूँ। पर मुझे सबसे पहले ये वॉच कलेक्ट करनी पड़ेगी, और मैं इन्हीं की तरह एकदम धीरे धीरे काम नहीं करूंगा, मैं तो 2 मिनट में सारे की सारी वॉच कलेक्ट कर लूंगा। अरे सुनियो, थोड़ा ध्यान से घड़ी कलेक्ट करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जल्दीबाजी में पानी में ही गिर जाओ, और जो पानी में गिर जाएगा वो दोबारा नहीं जिंदा हो पाएगा। तुम तो इतना बेवकूफ हो कि कहीं तुम ऐसे ही ना गिर जाओ जियान के चमचे। क्या कहा नोबिता, क्या सुनियो मेरा चमचा है? ये तुमने बिल्कुल सही कहा, सुनियो मेरा दोस्त भी है, साथ मेरा चमचा भी है। और ये देखो सुनियो यहाँ पे अब सुपर हीरो बनने वाला है, तो देखते हैं सुनियो यहाँ कौन सा सुपर हीरो बना है। अरे वाह, ये तो आग वाला सुपर हीरो बना है। तो दोस्तों अगर तुम्हें इसका नाम समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सुनियो कौन सा सुपर हीरो बना है। हाँ जी हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझको भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे कौन सा सुपर हीरो बन गया हूँ। लेकिन सच कहूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है इस कपड़े के अंदर, पता नहीं ये कौन सा सुपर हीरो है। और ये देखो, मैं अपने ग्रैंडपा के पास पहुँच गया, तो चलो यहाँ थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं। ओ हरिप्पा, बल्ले बल्ले बल्ले। अरे वाह सुनियो, तुम तो यहाँ पे काफी अच्छा डांस कर रहे हो। और ये देखो, तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें शाबाशी भी दे रहे हो, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया। तो चलो दोस्तों, अगला हीरो मैं बनता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ कौन सा हीरो बनने वाला हूँ।
वैसे तुम सबको पता चल ही गया होगा, जिसकी तस्वीर पीछे बनी होती है हम वही सुपर हीरो बनते हैं। और ये देखो मैंने यहाँ पे घड़ी कलेक्ट करने का काम शुरू भी कर दिया है। अरे हाँ नोबिता, तुम सारे काम जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि जियान और सुनियो तो बस बकवास करते हैं, वो तो यहाँ काम भी नहीं करते। और हाँ, तुम सबसे अच्छे सुपर हीरो बनना, क्योंकि जियान और सुनियो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता। तो तुम्हें अपने लोगों से अगर प्यार है तो जल्दी से हीरो बनो और उनको बताओ कि सबसे बेस्ट यहाँ पे नोबिता है। और ये देखो दोस्तों, हमारी यहाँ पे आखिरी वॉच भी कलेक्ट हो चुकी है। और ये देखो, अब मैं यहाँ पे हीरो बनने वाला हूँ। तो देखो ये मैं कौन सा सुपर हीरो बना हूँ। अरे वाह, ये तो काफी चिट्टा सा है, मतलब कि ये तो कोई बर्फ वाला हीरो बना है। तो चलो हम भी अपने ग्रैंडपा के पास चलते हैं। और सबसे अच्छा हीरो तुम्हें कौन सा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये लो, मैं तो अपने ग्रैंडपा के पास पहुंच गया हूँ। तो दोस्तों मेरे को वोट करना, ताकि मेरे को सबसे अच्छा ज्यादा वोट मिले और सबको पता लगे नोबिता सबसे अच्छा सुपर हीरो है। हाँ नोबिता, तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो अगला सुपर हीरो मैं बनता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बकवास किसी को सुनना पसंद नहीं है। सब यहाँ मुझको पसंद करते हैं, यानी जियान को। तो चलो दोस्तों, अगला हीरो मैं बनूंगा और मैं यहाँ पे अब घड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं नोबिता की तरह बकवास नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे सेवा। और ये देखो हमारे पास यहाँ कितनी सारी जमीन है, इतनी बड़ी जमीन तो नोबिता के टाइम में थी ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि जियान की कितनी वैल्यू है इस गेम में। हाँ जियान, तुमने बिल्कुल सही कहा, इस गेम में सब के सब जियान को पसंद करते हैं और नोबिता को सब मारते हैं, क्योंकि मेरे को पता है जियान यहाँ सबसे अच्छा है और नोबिता कहीं का पागल है। तो फिर लोग नोबिता को पसंद ही नहीं करते, सारे के सारे लोग जियान को पसंद करते हैं। अरे दोस्तों मेरी इतनी इंसल्ट ना करो, मुझे भी लोग प्यार करते हैं। तो दोस्तों अगर तुमको मैं पसंद आता हूँ तो कमेंट सेक्शन में नोबिता बना के उसके आगे हार्ट बना देना, वरना जियान और सुनियो तो मेरे को यहाँ पे सुना सुना के मार ही डालेंगे। तो मैं देखता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कितने लोग प्यार करते हैं। तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो नोबिता, तो ये देखो मैं यहाँ पे सुपर हीरो बनने वाला हूँ। और लोगो अब देखो मैं यहाँ कौन सा सुपर हीरो बनने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो पेड़ वाला सुपर हीरो बन गया, मतलब कि ये तो काफी प्यारा है। तो लोगो इस सुपर हीरो के लिए एक लाइफ तो बनता है। तो चलो मैं भी अपने यहाँ ग्रैंडपा के पास चलता हूँ और हम यहाँ पे अपने ग्रैंडपा के पास पहुँचने वाले हैं। और ये देखो हम पहुँच गए, मतलब कि मैंने काफी अच्छा काम किया। चलो दोस्तों अगला सुपर हीरो मैं बनता हूँ और मैं देखता हूँ अब हम आखिरी में कौन सा सुपर हीरो बनने वाले हैं। इसके बाद हमारे सारे सुपर हीरो खत्म हो जाएंगे। अच्छा हुआ बोचैंग अगले सुपर हीरो तुम बन रहे हो, वरना इन मोटू और पतलू की बात सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। एक तरफ से मोटा जियान कुछ कुछ बोली जा रहा है, दूसरी तरफ से उसका चेला, मतलब कि सुनियो। तो अच्छा हुआ अगला सुपर हीरो तुम बन रहे हो। अरे वाह, यहाँ तो कितनी बड़ी जगह है, तीन तरह के पुल भी है। अरे एक मिनट, ये तो देखो यहाँ पे रास्ता बंद है। अरे नोबिता, तुम मोटे जियान की बात मत सुना करो, वो तो यहाँ पे भैंस की तरह खाता है और कुछ काम भी नहीं करता। तुमको यहाँ सब प्यार करते हैं, देखो कमेंट सेक्शन में तुमको सब नोबिता लिख रहे हैं। और ये देखो मैं यहाँ पे सुपर हीरो बन गया। अरे वाह, ये तो जियान की तरह मोटा सांड है। अरे देखने में तो काफी प्यारा लग रहा है, वरना जियान तो इतना गंदा लगता है कि उसे देखकर उल्टी आ जाती है। हाँ बोचैंग, तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये देखो दोस्तों, हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो नोबिता के नाम के लिए एक लाइक कर देना और हाँ कमेंट सेक्शन में मेरा नाम लिख देना, जियान को भी पता चले कि लोग मुझे यहाँ कितना प्यार करते हैं।